जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आप लोग की बहुत दिन से इंतज़ार थी कि जो मऊ से लेकर और औढ़िया जंक्शन के बीच हो रहे रेल ट्रैक दोहरीकरण परियोजना की जो वीडियो है वो जल्दी से जल्दी जो लाने का जो उपाय है वो करें। तो आज मैं आप लोग के लिए ला चुका हूँ मऊ जंक्शन से लेकर और औढ़िया जंक्शन तक हो रहे रेल ट्रैक दोहरीकरण परियोजना की जो वीडियो है वो ला चुका हूँ। पर अभी आप सामने जो ट्रेन देख रहे हैं वो ट्रेन नंबर 15008 फिरसेक एक्सप्रेस है, जो कि लखनऊ से चलकर और वाराणसी सिटी के बीच जो ट्रेन है वो चलती है। तो ये मऊ से लेकर और औढ़ियार के बीच आप जो रेल ट्रैक दोहरीकरण जो देखने वाले हैं ये आप तीन पार्टों में जो है वो आप देखने वाले हैं। पहला जो पार्ट होगा वो आपको मऊ से लेकर और दुल्लापुर तक देखेंगे, और दुल्लापुर से जो है वो आप सादात देखेंगे, और सादात से जो है वो आपका लास्ट पार्ट औढ़ियार जंक्शन तक जो है वो आप देखने वाले हैं। तो अभी अपनी जो ट्रेन है वो बिल्कुल प्लेटफॉर्म संख्या एक पे जो ट्रेन है वो आ रही है। तो चलिए ऑनबोर्ड होते हैं और फिर से जो है वो आप रेल ट्रैक दोहरीकरण की जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। तो जो ट्रेन है वो तो आ चुकी है बिल्कुल प्लेटफॉर्म संख्या एक पे, और ट्रेन में जो है वो ऑनबोर्ड होकर और ट्रेन की जो भीड़ भाड़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, और आपकी जो है वो रेल ट्रैक दोहरीकरण की जो वीडियो है वो अब यहाँ से जो है वो स्टार्ट होगा। तो अभी आप लोग पहले जो है वो देखिए स्टेशन का जो है वो आप पहले यहाँ से डिपार्चर देखिए, और डिपार्चर देखने के बाद जो है वो हम लोग निकलेंगे सीधा रेल ट्रैक दोहरीकरण परियोजना में। अगर आप लोग को अगर ये वीडियो पूरा अच्छा लगा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो लोगों को है वो शेयर करिएगा, और चैनल को जो है वो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए अभी आप पहले देखिए पूरी जो स्टेशन का जो है वो यहाँ से अभी आप डिपार्चर देखिए, फिर जाके जो है वो हम लोग डिपार्चर करने के बाद जो रेल ट्रैक दोहरीकरण की जो वीडियो है उसे हम लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे। कहाँ जोड़ क्या रहे हैं यार, वाला चेक कर रहा है, इधर पीछे वाले हैं, क्या चेक कर रहे हैं है? क्या चेक कर रहे हैं, कह रहा है दुकान वाला इसमें क्या बैठे, अभी टाइम तो आ गए इसमें वो लोग है ना, हाँ हाँ कैसे इसी में अगले स्टेशन पे उतरना है, तो तो चलिए जो ट्रेन है वो तो अब मऊ जंक्शन से जो ट्रेन है वो निकल चुकी है, और अब हम लोग जो है वो बढ़ते हैं पहला जो सेक्शन जो आप देख रहे हैं वो मऊ से लेकर और पनियारा के बीच का जो सेक्शन है वो देखने वाले हैं। और एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं कि मऊ से लेकर और पनियारा के बीच का जो सेक्शन है यहाँ पे जो है वो बहुत ही कम कार्य हुए हैं। अभी आप बगल में देख सकते हैं कि जो मिट्टी वगैरह है वो भी नहीं पाटा गया है, और ना ही यहाँ पे कुछ जो है वो कार्य हो रहे हैं। तो चलिए अभी आप देखते रहिए और सीधा देखते हैं हम लोग पनियारा रेलवे स्टेशन पर मिलते हैं, पनियारा पर देखते हैं कि जो कुछ कार्य हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको अभी बता दूं कि पनियारा रेलवे स्टेशन पे आपको दोनों तरफ जो है वो कार नहीं होता हुआ जो है वो दिख रहा है। तो अभी चलिए अभी आप लोग पहले देखिए यहाँ पे अभी इस सेक्शन का जो है वो आप देखिए मऊ से लेकर और पनियारा, और फिर पनियारा से जो है वो पिपरी तक का जो सेक्शन है उसमें जो है वो कार बहुत ही ज़्यादा कुछ हो रहे हैं।
जैसे ही हम लोग पनियारा रेलवे स्टेशन को स्किप करते हैं, वैसे ही जो रेल ट्रैक दोहरीकरण की जो कार है वो यहाँ से कुछ ज़्यादा जो है वो देखने को मिलता है। और अभी ये जो सेक्शन जो स्टार्ट होता है वो पनियारा से लेकर और आपका पिपरीडी रेलवे स्टेशन तक का जो सेक्शन है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और इस सेक्शन पे जो है वो जैसे ही हम लोग पनियारा से निकले वैसे ही हम लोग को देखने को ये मिलता है कि जो कार है जो यहाँ पे जो है वो हो रहा है रेल ट्रैक दोहरीकरण परियोजना के। अभी आप बगल में देख सकते हैं कि जो मिट्टी वगैरह है वो यहाँ पे डाला जा रहा है और जो जिस्पी वगैरह जो से जो कार है ना वो सब कुछ हो रहे हैं। चलिए अभी आप देखते जाइए, अगर कुछ और आगे मिलता है तो मैं आपसे मिलता हूँ। अभी आप आगे आपको देखते जाइएगा कि आगे जो है वो यहाँ पे जो है बहुत ही एक चौड़ा कर दिया गया है। यहाँ पे जो आप पूरा बिल्डिंग जो देखने में पूरा चौड़ा हो गया है, तो मैं बता दूँ कि आपको चौड़ा इसलिए हुआ है क्योंकि अभी जिस पे हम लोग चल रहे हैं जिस लाइन को, इस लाइन को जो है वो उखाड़ दिया जाएगा और जो दोनों ही जो लाइन है वो आपको इस साइड जो है वो बनाया जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो छोटे छोटे जो ब्रिज है उसे बनाए जाने का जो कार्य है ना वो निरंतर जो है वो किया जा रहा है। यानी आप कह सकते हैं कि पनियारा और पिपरीडी का जो सेक्शन है यहाँ पे जो कार है वो अब स्टार्ट हो चुका है, लेकिन आपका मऊ से और पनियारा के बीच का जो सेक्शन है यहाँ पे जो कार है वो अभी 1% नहीं हो रहा है। तो चलिए अब मैं आपसे सीधा जो है वो पिपरीडी रेलवे स्टेशन से पहले मिलता हूँ। और जहाँ तक मुझे लगता है कि पिपरीडी जो रेलवे स्टेशन है वो अब आने ही वाला है। अभी जो है वो हम लोग पहुंचने वाले हैं पिपरीडी रेलवे स्टेशन। और चलिए पहले आप लोग पिपरीडी रेलवे स्टेशन का हाई स्पीड एक्शन जो है वो स्किपिंग देखिए। और बाकी आप बगल में देख सकते हैं जो रेल ट्रैक दोहरीकरण जो कार है वो काफ़ी तेज गति से जो है वो यहाँ पे हो रहा है। चलिए अभी आप देखिए और मैं मिलता हूँ आपसे सीधा आगे। अभी आप पूरा पिपरीडी रेलवे स्टेशन का एक का हाई स्पीड एक्शन स्किपिंग देखें कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जो है वो जरूर बताएगा। और आप पिपरीडी रेलवे स्टेशन के यार्ड में आप देख रहे होंगे कि जो रेल ट्रैक दोहरीकरण के जो कार है वो हो रहे थे। तो अभी यहाँ से जो सेक्शन जो स्टार्ट होता है वो पिपरीडी से लेकर और आपका नायकडी बीच का जो सेक्शन है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। और इस सेक्शन पर जो है वो आपको मतलब जो कार है वो बहुत ही ज़्यादा कुछ हो रहे हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो छोटे छोटे जो कंक्रीट जो गिट्टियाँ हैं वो गिर चुकी हैं और जो यहाँ पे रोलिंग वगैरह जो है कुछ है ये सब कुछ जो है वो हो रहा है। तो चलिए अभी आप पूरा देखते जाइए, अगर कुछ आगे न्यू अपडेट मिलता है तो मैं आपसे मिलता हूँ सीधा।
अभी आप लोगों ने देखा ना कि जो नायक डी रेलवे स्टेशन का जो नायक डी हॉल था उसका आप लोग स्क्रिप्ट देखे कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जो है वो जरूर बताएगा। और बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी सारी जो ट्रकें वगैरह है वो एक स्थान से दूसरे स्थान जो है वो ध्रुवीकरण की जो कार्यों को जो सामानों को जो लेकर है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है वो जा रहे हैं। और अभी यहाँ से जो सेक्शन जो स्टार्ट होता है वो नायक डी से लेकर और दुल्लापुर तक का जो सेक्शन है वो स्टार्ट हो रहा है, जहाँ तक पे ये जो पूरी जो पार्ट है वो समाप्त हो जाएगी, यानी पार्ट वन की जो वीडियो है वो समाप्त हो जाएगी। और फिर इसके बाद जो है वो आपको पार्ट टू जो है वो देखने को मिलेंगे दुल्लापुर से लेकर और आपका शहादत तक का जो है वो पार्ट टू आपको देखने को मिलेंगे उस सेक्शन का। तो अभी इस सेक्शन पे देखने को ये मिल रहा है कि भाई यहाँ पे जो कार है वो बस सब कुछ हो चुका है, बस यहाँ पे जो है वो बेडिंग वगैरह करके जो ट्रैक्स है वो बिछाना है, फिर यहाँ पे ओएचई जो है वो लगाना है और ओएचई जो इलेक्ट्रिक के जो पोल जो गाड़ने के लिए जो फाउंडेशन है वो भी नहीं यहाँ पे जो है वो बनाया गया है। चलिए अभी आप देखते जाइए और आगे कुछ न्यू अपडेट मिलता है तो मैं मिलता हूँ। बाकी अभी जो है वो हम लोग पहुँच चुके हैं दुल्लापुर रेलवे स्टेशन और बाकी यहाँ पे अभी आप बगल में देख सकते हैं कि जो ये ट्रैक्स वगैरह है वो लगा दिया गया है और यही जो दोहरीकरण में जो ट्रैक्स है यही जो है वो आगे कंटिन्यू जो है वो कर देंगे। और ये जो ट्रैक्स है वो सीधा दुल्लापुर के जो बगल में जो यार्ड जो है उसमें जा रहा है सीधा। आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो एक जो लाइन है वो यहाँ पे पॉइंट से जो है वो कट के एक और जो लाइन है वो सीधा आपको यार्ड्स में जो है वो चली जाएगी। और बाकी अभी जो है वो हम लोग पहुँच चुके हैं दुल्लापुर रेलवे स्टेशन और अपनी जो ट्रेन है वो सीधा प्लेटफॉर्म संख्या एक में जो है वो दुल्लापुर के पहुँच रही है। तो चलिए अभी आप लोग को ये पूरी जो रेल ट्रैक दोहरीकरण की जो वीडियो है वो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जो है वो आप जरूर बताइएगा। और बाकी आप पूरा देख सकते हैं कि दुल्लापुर में जो कार है वो बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नए ट्रेन की जर्नी और वीडियो में। बनाया भी डूबा भी हमारे तो कहीं लस्सी दम पानी हमरे बीच में निकल जाएगा बंद सौ कराई दी सही बात हैदराबाद जाता हुआ दानापुर सिकंदराबाद वाले ट्रेन से पांच बजे ट्रेन है मोबाइलवा ना गिफ्ट हुई बना रहा क्यों गिफ्ट हुई तो बना कर ले लिया तो फिर आगे के ले लिए ना भाई बड़ा कर दिए वरना दिए कुत्ते को पड़ जाए।